हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफ एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने वीडियो अपलोड करना कम कर दिया है, तो इसलिए मैं जब तक लाइव क्लास नहीं चलती है तब तक मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वैसे 3-4 दिन में लाइव क्लास हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है, फिर भी तब तक मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्योंकि आपकी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए, ग्रुप डी का जो पेपर एनालिसिस चल रहा है पूरी यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान ना दे करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा पूरा एंड तक, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा शेयर करके। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेखा में से कौन सा आरेखा दिए गए तीन वर्ग पति पत्नी और तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। देखिए, यहां पे आपको एक वेन डायग्राम बनाना है जिसमें पति पत्नी तथा परिवार होगा। अब मुझे ये बताइए, पति पत्नी और परिवार के बीच में, तीनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन शो करने वाले तीन वेन डायग्राम है, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्या शो कर रहा है कि तीनों चीज़ें अलग हैं, तो इसको तो हटा देते हैं। हमारे पास बचे तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में से अब ए वाले ऑप्शन की अगर बात कीजिए, ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कुछ पति पत्नी है और कुछ पत्नी परिवार है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि पति पत्नी है तो दोनों अलग अलग चीज़ बट एक परिवार का हिस्सा है, तो कुछ वाली कंडीशन नहीं हो सकती। और ये सब वाली कंडीशन होती है कि सभी के सभी पति पत्नी है, तो ऐसी कंडीशन कभी हो सकती है कि सभी पति पत्नी हो सकते हैं या सभी पत्नी पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि पति अपनी जगह अलग होता है और पत्नी अपनी जगह अलग होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का जेंडर अलग होता है बट दोनों के दोनों एक परिवार का हिस्सा होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ये बच जाएगा। अब ये कैसे आंसर हो गया आपका, देखिए, पति और पत्नी दोनों के दोनों एक परिवार का सेट, दोनों का ये परिवार आपका हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। बहुत सारी वीडियो में अभी बीच में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब तक लाइव क्लासेस नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से विषम समूह है, यानी कि आपको ओड वन आउट यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो अगर देखा जाए इसमें एक बार आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए, जो ये बीच वाली संख्या है, ये दोनों साइड वाली संख्याओं का सम है, ठीक है। जैसे 23 और 12 कितना होता है 35, ठीक है, और आपका 15 और 25 कितना होता है 40। यहाँ पे देखिए, बट एक ये वाला जो बी ऑप्शन है, इसमें 24 और 17 40 नहीं होता है, तो यही आपका ओड वन आउट हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे 32 और 8 की बात की जाए, तो ये भी 40 होता है, ठीक है। 32 और 8 कितना होता है 40, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ये आपका भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बेमेल शब्द छाटिए, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से भिन्न ही छाटना है, मतलब इनमें से अलग कौन सा है। तो अगर देखा जाए, बुक, मैगजीन और नोवेल और आपका अलमीरा, तो इसमें देखिए तीनों चीज़ें, बुक, मैगजीन और नोवेल जो होते हैं, इनको सभी को पढ़ा जा सकता है बट अलमीरा को पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका भिन्न हो जाएगा, तो दोनों का यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, कथन निष्कर्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि मेरी कक्षा में सभी के सभी बच्चे बुद्धिमान है, ठीक है, और सुनील बुद्धिमान नहीं है। इसका क्या निष्कर्ष निकला है, देखिए, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, इसका मतलब ये कि पूरी क्लास में जो मेरी कक्षा है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, तो सारे के सारे विद्यार्थी बुद्धिमान है, इसलिए सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पहले वाला राइट हो जाएगा। दूसरे वाला है आपका, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, इस कथन में कहीं पे ये बोला गया कि कठोर परिश्रम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यहाँ पे बोला गया मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान और सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको कठोर परिश्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपका पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसी से एक और देखते हैं कथन निष्कर्ष, ट्राई करिए खुद भी आप, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि आपने इसको ट्राई किया होगा।
नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कथन शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षा जो यहाँ पे बोला गया कथन में उसी के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, तो आपका पहले वाला राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस कथन को अच्छे से पढ़ के देखें तो ये दोनों के दोनों आपको राइट नजर आएंगे, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि रमन को 1 2 3 2 5 और दिनेश को 6 7 5 4 8 9 लिखते हैं तो हमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे रमन के लिए जो कोड यूज किया गया है वो हमने इसके नीचे लिख लिया, ठीक है। रमन के आर के लिए 1 यूज किया गया है, ए के लिए 2, एम के लिए 3, ए के लिए 2, एन के लिए 1। दिनेश के लिए फिर ये कोड यूज किया गया है, तो डी के लिए नीचे हमने लिख लिया 6, आई के नीचे 7, एन के नीचे 5, ई के नीचे 4, एस के नीचे 8 और एच के नीचे 9। तो अब मुझे यहाँ पे पूछा है कि हमन को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि H के लिए, जैसे हमन में आपका सबसे पहला वर्ड क्या है, H है, तो H के लिए क्या कोड यूज किया गया, 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। A के लिए क्या कोड यूज किया गया है, A के लिए 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। M के लिए क्या कोड यूज किया गया, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। A के लिए 2 है तो 2, फिर M के लिए 3 तो 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 2 3 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से गलत संख्या आपको बतानी, इसमें क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 2+1 और मल्टीप्लाई 2-1। तो यहाँ पे देखिए 9 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 18, 18 में +1 करेंगे तो 19 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम 19 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और -1 करेंगे, यानी कि आपका 19 की 2 में करेंगे तो 38, 38 में से -1 तो 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई 2 और आपका यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, तो 75 आ जाएगा। 75 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे और -1 कर देंगे। देखिए एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो 150 में से -1 तो 149, और 149 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की तो कितना आएगा, ये आपका 298 आएगा, आई थिंक, हाँ 298, और +1 करेंगे तो 299 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा है 297, तो इसका मतलब यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 299, ठीक है, तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो इसको कैसे पूरा करना है भाई, देखिए यहाँ पे दो दो के पेयर बन रहे, जैसे ए बी दो को छोड़ के आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, या फिर ई एफ, ये तो आपके दो दो के पेयर बन गए। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ई एफ, यहाँ पे क्या आ गया था, सी आ गया था, ठीक है, ई एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एच, फिर यहाँ पे आ जाएगा आई और जे, तो यहाँ पे देखिए सी जी आई जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप समझ लीजिए बस, ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, सी जी आई जे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए बी देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, इनको अगर मैं इस तरीके से ब्रेक कर लूँ, ए बी, ठीक है, सी डी, फिर यहाँ पे दो का छोड़ करके हमें गैप इसमें सी डी के बाद में, दो के गैप छोड़ने के बाद में, फिर यहाँ पे आ जाएगा ई एफ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ई एफ जी एच आई जे, तो दो दो का गैप छोड़ के चल रहा है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करते हुए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका ये आपको श्रृंखला पूरी करनी है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें एक सीरीज बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में आपका प्लस होते जा रहा है, ठीक है, जैसे 2+3 किया तो क्या आ गया, 5, अब फिर 5 में आपको +4 करना है, ठीक है, 3 के बाद में क्या आया, 4 आया, तो कितना हो जाएगा, 9, फिर 9 के बाद इसमें क्या प्लस होगा आपका, 5 प्लस होगा, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर नेक्स्ट 5 आएगा, तो इसी तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 9 और 5 14, फिर 14 में प्लस कितने करेंगे, 6, क्योंकि 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 में प्लस आप 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 14। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, देखिए 2+3 5, यहाँ पे 5 में प्लस आपका क्या करना है, 4, ठीक है,
तो प्लस फोर करेंगे नाइन, नाइन में प्लस फाइव करेंगे तो आपका फोर्टीन। तो यहाँ पे जितना भी नंबर प्लस करने के बाद में आएगा उससे एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, जैसे थ्री प्लस हुआ फिर फोर होगा फिर फाइव होगा फिर सिक्स होगा फिर सेवन होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे फोर्टीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में संख्या भरिए। देखिए इसमें कैसे संख्या भरनी है आपको, नौ में से चार को माइनस करेंगे कितना आएगा पाँच, पाँच में मल्टीप्लाई कर देंगे फोर की तो कितना आएगा ट्वेंटी, यानी कि हर बार माइनस करना है और फोर की मल्टीप्लाई करना है, हर बार यही करना है। तो आठ में से पाँच जाएगा तीन, तीन में मल्टीप्लाई करेंगे चार की तो कितना होगा चार तीन बारह, तो यहाँ पे बारह आ जाएगा। सात में से माइनस करेंगे सिक्स तो कितना आएगा वन, वन की मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो फोर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। कई बार क्या होता है ये ईजी से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, कई बार ये बहुत टाइम लगा देते हैं, तो बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करना है इस क्वेश्चन को तो ईजिली हो ही जाएगा। नेक्स्ट आपका है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखिए लुप्त संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो आपका अल्फाबेट्स हैं उनका भी कोई रिलेशन चल रहा होगा और जो यहाँ पे ये आपका नंबर्स लिखे हैं ये भी कोई ना कोई सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अल्फाबेट की बात कीजिए तो यहाँ पे प्लस टू चल रहा है, ठीक है, ए में प्लस टू करेंगे तो सी आ जाएगा और सी में प्लस टू करेंगे तो ई आ जाएगा। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एक एक अल्फाबेट छोड़ करके, ठीक है, ए बी को छोड़ के सी, सी फिर डी को छोड़ के ई, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली सीरीज चल रही है और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा है एम एक छोड़ के ओ, ओ छोड़ के एक छोड़ के यानी कि आपका क्यू, इसी तरीके से आपका आ जाएगा। फिर अगर बात कीजिए आंसर की तो यहाँ पे जी एक छोड़ के आई, आई फिर जे छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाएगा के। और फिर आप देख सकते हैं के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इन दोनों को हटा दीजिए और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा एट, क्योंकि ये प्लस लिखा है यहाँ पे, चार और दो छः और पाँच और नौ चौदह, इसी तरीके से पाँच और तीन आठ हो जाएगा। तो यहाँ पे के एट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार कुर्ते का संबंध किससे है। तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि अगर जूता चमड़े से बनता है तो कुर्ता किस चीज़ से बनता होगा, कपड़े से, तो यहाँ पे कपड़ा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे अपनी जो आईडी होता है पूरा प्रोसेस करके, जैसे व्हाट्सएप आप बनाते हैं उसी तरीके से बहुत ही हेल्पफुल है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बस टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर जाएंगे, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।